तो दोस्तों, अगर आप लोग एक ऐसे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यह एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा, यानी कि इसमें हर एक महीने आपको पैसे मेंटेन करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं बिना ब्रांच विजिट किए ही घर बैठे फुल KYC हो जाए, तो आप आसानी पूर्वक घर बैठे ही फुल KYC भी कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करने में, लेन देन करने में, या फिर पैसे को डिपॉजिट या विड्रॉ करने में कोई भी समस्या ना आए। इसके अलावा इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने पर फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹299 पे करने होंगे पर इनम। तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं और कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। So, आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले आप एक पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपके केस में इस तरह की समस्या है तो फिर आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते किसी भी बैंक में, चाहे कोटक हो, SBI हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो। किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और साथ ही आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में इंसर्ट होना चाहिए, तभी आप कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके केस में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, घर बैठे ही आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है अकाउंट ओपन करने का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ओपन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा। फर्स्ट में आपको फर्स्ट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इनपुट करना है इस बॉक्स में, ठीक है, और यहाँ पर आपको पिन कोड इनपुट कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप पिन कोड इनपुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ओपन नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद ओपन नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी यानी कि ईमेल अकाउंट पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है इस बॉक्स में, और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, उसके बाद आपको कंसेंट देना है, यानी कि इन दोनों बॉक्स में आपको टिक मार्क लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, जैसे पैन नंबर, आधार नंबर इनपुट करने के बाद इन दोनों बॉक्स में आपको टिक मार्क कर देना है, और यहाँ पर आपको नीचे में दिखेगा प्रोसीड टू वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपके सामने आ जाएगा आपका पैन कार्ड, यानी कि आपके पैन कार्ड पर जो भी नाम है यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अब आपको करना क्या है, प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके पास आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बेहद अनिवार्य है, तभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप OTP फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड से आपका फोटो, नेम और डेट ऑफ बर्थ फेच कर लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स फेचअप करने के बाद नीचे में कुछ डिटेल्स और भी आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि आपकी कमाई किस तरीके से हो रही है, यहाँ पर मंथली इनकम कितना है आपको बताना पड़ेगा, मतलब डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम के जस्ट नीचे मंथली इनकम, इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको फादर्स नेम सेलेक्ट करना है, और फादर्स नेम भी आपको सही सही सेलेक्ट करना है, मीन्स इनपुट करना है, जो आपके पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वही फादर्स नेम यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है।
उसके बाद नीचे में आपको अपने मदर्स का नाम इनपुट करना है इस बॉक्स में। दोबारा से आपको फिर से मदर्स का नाम इनपुट करना है, ये आपको याद भी रखना है सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है। रिमेंबर दिस फॉर सिक्योरिटी रीजन, ये दोनों चीजें आप जो भी नाम रखेंगे इन दोनों बॉक्स में आपको याद भी रखना होगा। तो सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस मेंशन किया गया है यानी कि अपडेट हो रखा है वही करंट एड्रेस के तौर पर यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, मीन्स फेज करके आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस चेकअप कर लीजिए सही एड्रेस है या नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा जिस पर बैंक आपसे कम्युनिकेट कर सकती है, मीन्स आपका जो किट है अकाउंट का किट जैसे पासबुक चेकबुक ये सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर पार्सल कर सके। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करना होगा मैनुअली, जैसे लाइन वन लाइन टू लैंडमार्क पिन कोड ये सारा डिटेल्स एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, इसको आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो जो आपका करंट एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा करंट एड्रेस आपको दिख रहा होगा और कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपको दिख रहा होगा, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस मैंने इनेबल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों डिटेल्स चेकअप करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको नॉमिनी डिटेल्स फिलअप करना होगा, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी रखना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, उसका नाम यहाँ पर डालिए, रिलेशनशिप क्या है उनसे यहाँ पर इनपुट कर दीजिए यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद उस नॉमिनी का जिसको आप अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं उस नॉमिनी का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एज योर एड्रेस इसको आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसमें टिक लगाएंगे तो आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों एड्रेस को सेम कर दिया है, सेम एज योर एड्रेस मैंने इनेबल कर दिया, तो अब मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों का सेम हो चुका है। तो सिंपल अब आपको क्या करना है, नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज आएंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट हो जाएंगे यानी कि सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सिंपल नीचे में प्रोसीड टू एमपिन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड टू एमपिन पर। अब यहां पर आपको एमपिन सेट करना है, यह एमपिन आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि जब आप कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और वहां पर लॉग इन करेंगे अपना कस्टमर आईडी डाल करके तो वहां पर एमपिन की जरूरत पड़ेगी, तो आप एमपिन वही डालें जो आपको याद रहे। तो यहां पर आप इंटर एमपिन में अपना एमपिन इनपुट कर दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से दोनों बॉक्स में एमपिन इनपुट कर देना है और यहाँ पर नो सीक्वेंस नो रिपीट नंबर्स ये सारे ग्रीन है तब तो ठीक है, अदरवाइज रेड कलर के आ रहे हैं तो आपको चेंज करना जरूरी है, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको कन्फर्म एमपिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म एमपिन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा एमपिन सेट सक्सेसफुली, यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको वेट कर लेना है। अब नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको गेट फिजिकल डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। लेकिन जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि इस डेबिट कार्ड को आपको लेने पर कितना चार्ज लगेगा। सबसे पहले तो आपको इनेबल करना है, उसके बाद यहां से आपको सेलेक्ट करना है आप कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर आपको बता दिया जाएगा पर ईयर यानी कि हर एक साल आपको कितना रुपया पे करना होगा, चार्ज देना होगा। लेकिन ये एक महंगा डेबिट कार्ड आपको यहाँ से अगर आप लेते हैं तो मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सस्ते डेबिट कार्ड को ले सकते हैं, तो इसको फिलहाल आप ऑफ कर दीजिए, उसके बाद कंफर्म। अब नेक्स्ट पेज में कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रोसीड विदाउट ए फिजिकल कार्ड, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है यस वर्चुअल कार्ड ओनली, यानी कि इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से ऑप्शन आएगा मेक योर डेबिट कार्ड पिन सेम एज एमपिन, आप चाहे तो अलग से एक न्यू पिन सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं कि जो आपका एमपिन है वही आपका डेबिट कार्ड पिन बन जाए तो आपको यहां पर यस कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा तो यहां पर आपको सिंपल स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर देना है। यहां पर यह बताया गया है कि अगर आप डिजिटल फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आप इसको सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको 199 पर ईयर पे करना होगा यानी कि लगभग 200 रुपये आपको बैंक
बैंक को देने पड़ेंगे अलग से, तब जाकर के आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप सिक्योर कर लीजिए, अदरवाइज स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज में इस तरीके से ऑप्शन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ए क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट ए फिक्स डिपोजिट। यानी कि यहाँ पर यह बताया जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप कम से कम 5,000 रुपये का FD करके इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड को लेने पर आपको ना तो ज्वाइनिंग फीस पे करना होगा और ना ही आपको एनुअल फीस पे करना होगा, पूरी तरह से लाइफ टाइम फ्री रहेगा क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो 5,000 का कम से कम FD करवा लीजिए और यहाँ पर क्लेम कार्ड पर क्लिक करके इस कार्ड को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना नहीं चाहते तो सिंपल आपको स्किप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा, योर इतना अकाउंट इज नाउ रेडी, यानी कि अब आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, एमपिन सेट हो चुका है, डेबिट कार्ड कॉन्फिगर्ड हो चुका है, मतलब कि आपका अकाउंट तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, सिंपल CRN नंबर यानी कि लॉगिन आईडी आपको दिख जाएगा, जिसको आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने के लिए यहाँ पर इसको लॉगिन करने के दौरान इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, साथ ही IFSC कोड आपको दिख जाएगा, ठीक है। और आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV नंबर, सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। इस कार्ड को आप कहीं भी कभी भी ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंप्लीट फुल KYC, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया गया है कि अगर आप फुल KYC करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से आपका फुल KYC हो जाएगा, लेकिन आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर मीन्स आपका एक सेल्फी लिया जाएगा, उसके बाद आपका एक सिग्नेचर लिया जाएगा व्हाइट पेपर पर, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स आपके पास होना अनिवार्य है। सिंपल अब आपको करना क्या है, प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस आप क्या रखना चाहते हैं, आप यहां पर सेट कीजिए। तो आप ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके कम्युनिकेशन एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आधार एड्रेस को ही कम्युनिकेशन एड्रेस के तौर पर सेट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहां पर मैंने आधार एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड विद आधार एड्रेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा डेबिट कार्ड का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 299 रुपीज पर ईयर आपको पे करना होगा और आपको डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट या फिर डू यू नीड ए फिजिकल कार्ड। अगर आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत है तो आप यस कीजिए, 299 रुपीज पर ईयर आपको पे करना होगा। और अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा, तो कंसेंट देने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट ऑल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा एग्री एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पहले सेलेक्ट ऑल करके उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने लोकेशन का एक्सेस देना होगा, तभी आप वीडियो KYC कर सकते हैं। तो सिंपल यहां पर आपको करना क्या है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए वन बाय वन करके सारे डिटेल्स को अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको टेक फोटो पर क्लिक करके या फिर गैलरी से आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेल्फी का, तो टेक फोटो पर क्लिक करके आप अपना सेल्फी ले लीजिए और अपलोड कर दीजिए। सेम वही प्रोसेस रहेगा सिग्नेचर का भी, व्हाइट पेपर पर आप ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके उसका फोटो क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर टेक फोटो का ऑप्शन दिखेगा हर एक ऑप्शन के नीचे, तो आप उस पर क्लिक करके टेक फोटो पर क्लिक करके आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग सारे डिटेल्स को अपलोड करते हैं, जैसे कि सिग्नेचर, प्रोफाइल पिक्चर में सेल्फी और ओरिजिनल पैन कार्ड अपलोड जैसे ही करते हैं, तो आपके सामने वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। और वीडियो कॉल के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और वहां पर आपसे डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आप क्या करते हैं। इसके अलावा आपको पैन कार्ड दिखाना होगा और आपको सिग्नेचर करके व्हाइट पेपर पर दिखाना होगा, आपको अपनी सेल्फी यानी कि अपना चेहरा दिखाना होगा। तो जैसे ही आप सारा डिटेल्स वहां पर दिखाते हैं, उसके बाद आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही KYC कंप्लीट होगा तो आपके अकाउंट पर अब KYC होने के बाद किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं रहेगा, जैसे कि आप अनलिमिटेड पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और कुछ ही सेकंड में जैसा कि आपने देखा था कि आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, CRN नंबर यानी कि लॉगिन आईडी, सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो उसको आप यूज करके जो इंटरनेट बैंकिंग है यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो ऑफिशियल ऐप है उसको इंस्टॉल करके उस लॉगिन आईडी के थ्रू आपको आप नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट घर बैठे ही ओपन कर
कर पाएंगे, वो भी फुल केवाईसी के साथ। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ फुल केवाईसी भी कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अकाउंट ओपन करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।